वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में बात होने वाला है अबाउट फ्लैक्स सीड। तो ये जो फ्लैक्स सीड होता है इसे कहीं कहीं पर तीसी बोला जाता है और कहीं इसे अलसी के बीज भी बोला जाता है। फिलहाल तो हमें सिर्फ ये दो ही नाम पता थे। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई नाम पता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इसको और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो ये जो फ्लैक्स सीड होता है ये देखने में तो सब एक छोटा सा एक बीज की तरफ होता है, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स है हमारे बॉडी के लिए बहुत ढेर सारा होता है। फ्लैक्स सीड जो था गाइस ये पहले उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ सालों से इतने ढेर से रिसर्च करने के बाद ये चीज पता चला कि जो फ्लैक्स सीड है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और स्पेशली एक मैजिक वाली चीज, जिन लोगों को वेट लॉस करना है या फिर वो लोग वेट लॉस जर्नी पर है उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज होती है। कि गाइस ये सब हमारे बॉडी को हेल्दी बनाने में, हमें हेल्दी करने में, हेल्दी रखने में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि इसके अलावा ये हमें वेट लूज करने में, फैट लूज करने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, स्पेशली हमारे वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। तो चलिए गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अब हम जान लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स कि किस तरह हमें हेल्दी बनाने में, हमारे वेट को लूज करने में हेल्प करता है। तो पॉइंट नंबर 1 कि ये जो होता है ये बिल्कुल रिच इन फाइबर होता है, मतलब इसके अंदर आपको पूरे 100% तक फाइबर मिल जाता है जो कि हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके पॉइंट नंबर 2 कि ये जो है बिल्कुल ग्लूटेन फ्री होता है। ग्लूटेन, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ग्लूटेन क्या होता है। तो गाइस ग्लूटेन वो होता है कि जब भी कभी हम मैदा गूंथते हैं तो उसके अंदर जो एक चिपचिपाहटपन सा जो रहता है उसे हम पर्टिकुलरली ग्लूटेन कहते हैं। तो ये जो ग्लूटेन इंटेक करने से प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोगों ने सुना होगा बड़े लोग घर में हमेशा कहते हैं कि मैदे को अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके कम से कम मैदा लेना चाहिए, क्योंकि मैदा जो है हमें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करता है। तो ये जो फ्लैक्स सीड है ये आपको बिल्कुल ग्लूटेन फ्री मिलने वाला है, जिससे कि आपको इसे इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प हो। ओके पॉइंट नंबर 3 कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रखा है या फिर कॉन्स्टिपेशन वो लोग नहीं चाहते कि फ्यूचर में कभी भी उन्हें हो, तो आप इसे डेली बेसिस पे जरूर से इस्तेमाल करें। इससे होगा क्या कि पहला तो मतलब जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको क्योर करने में ये बहुत जल्दी अपना रिजल्ट दिखाता है, और सेकेंड कि आपको फ्यूचर में कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। ओके तो बीच में आप लोग से एक टिप्स जरूर शेयर करना चाहूंगी कि ये जो फ्लैक्स सीड होता है कि ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जो कि somehow जिन लोगों को गर्म चीज इंटेक करने के बाद डाइजेस्ट करने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है, स्पेशली इन समर टाइम। और तो आप इसे विंटर में ले सकते हैं, तो अवॉइड करिएगा जिनको ये प्रॉब्लम है, और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है फिर तब तो आप मजे से इसे यूज करें, मजे से आप इसको खाइए या फिर आप इसे पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो ऑयल को रिलीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये एज अ सप्लीमेंट फिश ऑयल से इसे ले सकते हैं, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन होती है कभी कभी उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो गाइस अब आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है, स्पेशली वेजिटेरियन वालों को, क्योंकि गाइस ये जो फ्लैक्स सीड है बिल्कुल वेजिटेरियन ऑप्शन है, स्पेशली फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ। ओके तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है या फिर वो मतलब हो चुकी है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। आजकल तो डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं कि आपको किसी न किसी वे में फ्लैक्स सीड को अपने डाइट में जरूर से यूज करना चाहिए। तो गाइस इसे अपने डाइट में कैसे यूज करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आप इसे किस तरह से अपने डाइट में ले सकते हैं जिससे कि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। ओके तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर जितने बैड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं उनको भी कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये सारी तो कुछ बात होगी हमारे हेल्थ को लेकर। अब हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि ये किस तरह हमारे वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। तो गाइस इसके अंदर जो एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं वो जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिकल रेट को बूस्ट अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सेकंड और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि वेट लॉस में ये बहुत हेल्प करता है। ओके गाइस इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। जब भी कभी हम जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो हमारे जो ट्रेनर लोग होते हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने खाने में आपको प्रोटीन शेक लेना है या फिर प्रोटीन पाउडर लेना है। तो
गाइस अगर आप प्रोटीन शेक प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप फ्लैक्स सीड को भी एज अ प्रोटीन आप उसे यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज होगी, हेल्प करेगी आपको अपने बॉडी को मेंटेन करने में, अपने वेट को लूज करने में। ओके गाइस, ये सारी तो कुछ बातें हो गई, पॉइंट्स हो गई कि ये किस तरह हमें हेल्प करते हैं हमारे वेट को लॉस करने में, हमारे हेल्थ को हेल्दी बनाने में। तो गाइस अब हम इस में जान लेंगे कि ये किस तरह हमें इसे बनाना है, किस तरह हमें इसे इंटेक करना है। ओके तो गाइस इसे हमें कभी भी ग्राउंड फॉर्म में नहीं लेना है, जब भी हमें इसे लेना है हमेशा इसे पाउडर फॉर्म में लेना है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में लेने से क्या होता है ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और अब जिस मतलब जो भी फूड में चाहे आप इसे आराम से इसे मिक्सअप कर लो करके आप इसे आराम से पी सकते हैं। ओके तो सॉरी पी प्लस खा भी सकते हैं, एक्चुअली मैं बंगाली हूँ तो मैं हम लोग के लैंग्वेज में क्या होता है ना कि कभी कभार मतलब कभी कभार क्या हमेशा हम लोग हर चीज़ सिर्फ मतलब खाने वाली सोचते हैं, पानी को भी जो रहता है हम लोग पानी भी खाते हैं, हम लोग पानी भी नहीं पीते। ओके ऐसे ही थोड़ा बहुत मजाक हो गया। तो अब हम चलते हैं, अब इसको हमें बनाना कैसे है, चलते चलिए गाइस मूव करते हैं बनाना कैसे है। बाय बाय। ये जो आप देख सकते हैं ये फ्लैक्स सीड है, ये बिल्कुल इसी टाइप के फॉर्म में मिलता है जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि बिल्कुल बीज की तरह छोटा सा होता है। ओके तो ये तो हो गया हमारा फ्लैक्स सीड, अब हम करते हैं अपने गैस को गरम। ओके गैस हो गया हमारा गरम, अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में रखेंगे। उसके बाद हमें इसे बिल्कुल नॉर्मली जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें कि मैंने यहाँ पे किसी भी तरह कोई ऑयल या फिर घी कुछ भी ऐड नहीं किया है, इसके बाद हम इसको ऐसे ही डाल देते हैं। अब हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम में थोड़ी देर के लिए इसे हमें कुक कर लेना है। ये आपको कम से कम 2-3 मिनट तक आपको इसको हल्के उसमें कुक करना पड़ेगा। तो गाइस मेरा 2-3 मिनट्स तक हो गया है, आप लोग देख सकते हैं मैंने से थोड़ा बहुत उसको कुक कर लिया है। अब हम करते हैं अपने फ्लेम को स्विच ऑफ, उसके बाद हम इसे पोर करेंगे किसी एक अच्छे उसमें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया, उसके बाद इसका जो कुछ है ऐसे दिखने वाला है। नेक्स्ट हमें स्टेप में करना क्या है कि आपको किसी ग्राइंडर में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास ये पहले से किया हुआ था, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल गाइस इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो हमारा जो है ये फ्लैक्स सीड बिल्कुल रेडी है, फ्लैक्स सीड का पाउडर। अब हम चलते हैं बढ़ते हैं इसे हमें लेना कैसे, किस किस फॉर्म में हम लोग इसे ले सकते हैं। ओके वेल गाइस द मेथड नंबर 1 इज की जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो स्मूदी है वो रेडी है, उसके बाद हम इसमें अब देते हैं 1 टेबल स्पून तक फ्लैक्स सीड पाउडर। ओके एज यू गाइस सी 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड पाउडर इसको करते हैं इसमें देते हैं और इसको बहुत स्मूथली जेंटली इसे हमें देना है एक मिक्सचर। सो मेथड नंबर 1 कि आप फ्लैक्स सीड को विद द हेल्प ऑफ स्मूदी भी ले सकते हैं, इससे आपको उसके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आपको पीने में भी अच्छा लगेगा। सो इट इज इट माई और गाइस इसे हम देने वाले एक बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसे हमें करना है बहुत अच्छे से मिक्स और ओके तो गाइस ये मिक्स हो गया बहुत अच्छे से वाटर में। ओके तो ये तो गाइस है ये हमारा मेथड नंबर 2 कि हमें फ्लैक्स सीड को किस तरह लेना है। गाइस आप लोग ने देख लिया कि इसे हमें बनाना कैसे है, किस तरह हमें इसे डेली बेसिस पे इसे लेना है यूज करना है। ओके फिलहाल के लिए तो सिर्फ इतना ही, इजाजत दीजिए हमें, मिलते हैं हमारे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा गाइस, बहुत मेहनत करते हैं हम इस वीडियो के लिए। ओके अपने फ्रेंड्स अपने फैमिलीज के साथ शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन है उसे प्लीज हिट कर दीजिएगा जिससे जब भी मैं कोई अपना नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पे मिल जाए। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।